हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अलादीन टॉयज। अभी कम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस, ये अलादीन कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो एडिटिंग होने वाली है, जो कि काफी क्रिएटिव है एंड बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस आईडी की, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां गाइस मैं ये सब पोस्ट डाल रहता हूं। तो गाइस, अगर अभी हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार, वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो गाइस चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपने इस बैकग्राउंड को पिक्सार्ट में ओपन करना है। बैकग्राउंड ओपन करने के बाद सिंपली आपने ऐड फोटो पर चले जाना है और गाइस इस पीएनजी को आपने ऐड कर लेना है। और गाइस इस पीएनजी को ऐड करने के बाद से कुछ स्टेप्स इसको एडजस्ट कर लेना है। ये गोल्ड की पीएनजी है, उसके बाद से सिंपली इसको डन कर देना है। और गाइस डन करने के बाद से आपने सिंपली फिर से ऐड फोटो पर जाना है और गाइस अपने मॉडल को कर लेना है ऐड। तो हम यहाँ पर अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। और गाइस अपने मॉडल को इस टाइप से ऐड करने के बाद से आपने कुछ यहाँ पर राइट साइड की तरफ इसको एडजस्ट कर देना है। और गाइस पोज ऐसे देना है जैसे कि गाइस हाथ में चिराग पकड़ा हुआ हो। तो गाइस देखिए, हमारा कुछ इस टाइप का ही है। तो उसके बाद से गाइस सिंपली हम ऐड फोटो पर यहीं से जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद से हम अपने जिन की पीएनजी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर लेते हैं और सिंपली सॉरी ये भी फिर से हमारा हो जाएगा। तो गाइस आपको उसको ध्यान से करना है कि आपका जिन का पीएनजी ही हो फुल बैकग्राउंड पर। तो हम इसको फुल बैकग्राउंड पर कर लेते हैं और फिर गाइस हम इसको मूव टू डाउन कर देंगे। और उसके बाद से गाइस हम अपने मॉडल पर जाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। तो गाइस जो स्मोक निकल रहा है हमें वहाँ पे इसको ठीक से एडजस्ट करना है। और उसके बाद से एडजस्ट करने के बाद से हम सिंपली यहाँ से इसको डन कर देंगे। और गाइस यहाँ से डन करने के बाद से हम फिर से ऐड फोटो पर चले जाएंगे। और गाइस हमें चिराग की पीएनजी ऐड कर लेनी है गाइस, जिसमें से हमारा जिन निकलेगा। तो हम सिंपली अपने हाथों में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो वो गाइस आप भी पोज कुछ ऐसा ही रखना, मैंने पहले ही बोला था कि ताकि आपके हाथों में चिराग एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं और उसके बाद से गाइस हम सिंपली इसको इरेजर में लेकर चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे इरेजर में जाकर हम इसको इन्वर्ट कर देंगे और इन्वर्ट करके गाइस जो हमारा ब्रश है उसको सेलेक्ट करके और यहाँ ऊपर से इसको ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। और इसमें हम अच्छे से चिराग को अपने ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अपने हाथों के अकॉर्डिंग आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे इसको परफेक्टली कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको करने के बाद हम सिंपली अब इसको यहाँ से डन कर देंगे। और यहाँ से डन करने के बाद से गाइस हम फिर से ऐड फोटो पर जाते हैं। तो यहाँ से गाइस सिंपली हम ऐड फोटो पर चलते हैं। और यहाँ जाने के बाद से आपने अपने मॉडल की एक और डुप्लीकेट ऐड कर लेनी है, वही मतलब वही पीएनजी ऐड करनी है कटआउट जो है। और उसको ऐड करने के बाद से आपने सिंपली उसको एफएक्स में ले जाना है और सिंपली ब्लैक एंड वाइट करना है और इसकी अमाउंट को फुल जीरो कर देना है और फिर इसको डन करना है। और अब गाइस क्या करना है, आपने इसको फ्लिप कर देना है और नीचे शैडो के लिए इसको लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपने शूज से इसको मिलाकर लगा देना है अपने शैडो को। तो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद सिंपली अब इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे, अबाउट 40% रखेंगे। और फिर गाइस इसको पास से हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। और डन करने के बाद से हम फिर से ऐड फोटो पर जाते हैं और यहाँ से जो हमारी अलादीन और यहाँ से हमारी एक और ब्लर पीएनजी है गाइस, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। ये गोल्ड वाली एक और पीएनजी है, इसको ऐड करने के बाद से सिंपली हम इसको भी डन कर देंगे। और फिर गाइस जो हमारी टेक्स्ट पीएनजी बची है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो हम सिंपली ऐड फोटो पर जाते हैं और जो हमारी अलादीन वाली टेक्स्ट पीएनजी है गाइस हम उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं ऐड फोटो पर और यहाँ पर हम इसको ऐड करके यहाँ ऊपर के साइड में इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा साइज मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस हमारा परफेक्टली हो चुका है। तो सिंपली अब यहाँ से हम अपनी फोटो को डन कर देंगे और यहाँ से डन करने के बाद से गाइस हम फिर से ऐड फोटो पर जाते हैं और हमें एक लेंस फ्लेयर की पीएनजी लेनी है। तो गाइस हम सिंपली उसको देख लेते हैं। तो ये रही, तो गाइस सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे और इसको ऐड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन डाल देंगे और इस राइट साइड की तरफ आपने इसको लगाना है ताकि लाइट इफेक्ट आपके बॉडी पर आए। तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ लगाने के बाद सिंपली इसको डन कर देंगे। और गाइस डन करने के बाद से हम सिंपली अपने ड्रॉ टूल में चले जाएंगे। तो यहाँ ड्रॉ टूल में जाने के बाद से गाइस हम अपनी फोटो करेंगे सेव और चलेंगे लाइट रूम में। तो गाइस हमने यहाँ पर अपनी फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लिया। और गाइस लाइट रूम में ओपन करने के बाद से आपने एक प्रीसेट मिलेगी गाइस, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और गाइस डाउनलोड करने के बाद से आपने सिंपली कॉपी सेटिंग पर जाना है
और यहाँ पर अब आपने सबको कॉपी कर लेना है और फिर गाइस आपने अपनी फोटो पे जाना है और यहाँ फोटो पे आने के बाद से इस पर जाना है 3 डॉट्स और इधर को पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद से देखिएगा आपको एकदम सही में एकदम ऑसम लगने लगेगा आपका फ़ोटो। और गाइस उसके बाद से चाहो तो आप इसमें थोड़ी बहुत लाइट एडजस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर हम सिंपली लाइट्स पर जाते हैं, सॉरी हम कलर्स पे आ गए, लाइट पे जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा कंट्रास्ट को आप थोड़ा माइनस की तरफ कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और यहाँ पर थोड़ा वाइटीज भी थोड़ा कम कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा है हमारा, तो आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखिए अब हमारी फोटो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना।